गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, अज असी वो वार्थक शब्द करांगे। वो वार्थक शब्द असी पहला बेटा PT3 विच भी कर चुके हैं 1 to 15। अज बेटे असी पेज नंबर 102 ते 103 करांगे, 16 to 30 तक। बेटा वो वार्थक शब्द वो होंगे है जिदा बेटा एको शब्द के कई अर्थ निकलन, भाव कहते दो या तीन मीनिंग निकलन। वो वार्थक शब्द होंगे जिन्हां दे एक अर्थ दे दो या तीन मीनिंग निकल, कहते बहु आर्थक शब्द। बेटे एक असं समान आर्थक शब्द करते हैं, समान अर्थ भाव कि सेम मीनिंग, बहु अर्थ जिन्हें एक शब्द के कई अर्थ निकलन। बेटा एग्जाम के एक शब्द देख के उसके दो या तीन अर्थ लिखने भी आ सकते हैं, या एक शब्द देख के उसके सेंटेंस बनाने भी, या उसके MCQs के भी आ सकते हैं। तुम अच्छी तरह लर्न करने हैं। हम अभी बेटा करते हैं, फर्स्ट वर्ड देखो हार। मैं उसके ताने सुन सुन के हार गई हाँ। नेक्स्ट है गहना, गले दे विच हार लाउंदा बेटा गहना, मेरी माता जी ने बहुत सुंदर हार लिया है। नेक्स्ट है बेटा सेकंड कच्चा, अनपक्या होया भाव कि जिहड़ा सब्जी सब्जी कोई अनपक्की होवे, कोई तरह पक्की ना होवे, ठीक है। आलू की सब्जी हले कच्ची है। नेक्स्ट है शर्मिंदा, हुण आपां इक मुहावरा वेखदे हां ना बेटा, कच्चा होना शर्मिंदा होना, इसे तरह कच्चा का की अर्थ है शर्मिंदा, ठीक है। कच्चा मतलब शर्मिंदा, जो चोर चोरी करते हुए फड़िया गया तो वह कच्चा हो गया। नैक्सट है दिल गिरना, वॉमिटिंग फील होती ना कई बार बेटा, बस भी सफर करना पै गया, कच्चा मतलब दिल गिरना, ठीक है। बस भी सफर करने मेरा दिल गिरन लग जाता है, या बस भी सफर करना मेरा दिल कच्चा हो जाता है। नेक्स्ट है कनी, कनी मतलब चावल का छोटा दाना, ठीक है। चावल होंगे बेटा जो व्डे होंगे, छोटे छोटे दाने होंगे जो आप खीर च पाने निके निके, कनी मतलब चावल का छोटा दाना। खीर के अक्सर कनी पाई जाती है, बाकी खीर जो बनाने उन्होंने कनी पाने, छोटे चावल पाने। नैक्सट है आकड़, कनी मतलब आकड़, ठीक है। जदों का उसके कारोबार में तरक्की मिली है तो उस बहुत ज़्यादा कनी आ गई है, जदों का वो मैच जितया है उस बहुत ज़्यादा कनी आ गई है, भाव की आकड़ आ गई है। नैक्सट है कनी मतलब करनी वाले, हम संत महात्मा होंगे कई बार बड़े करनी वाले होंगे, पूंजे होंगे, ठीक है। संत महात्मा बड़े कनी वाले हैं, भाव की करनी वाले हैं जो पूंजे हुए हैं। नैक्सट है बेटा कही, कही मतलब कहना, कही कहना किसी ने कोई गल कहना, ठीक है। छोटे बच्चे अक्सर घर जाके अपनी माँ को गल कहते हाँ, जा मैं सारी गल अपनी माँ को जाके कही। नैक्सट है मिट्टी पुटन वाला सन, मिट्टी पुटन वाला सन जिन्ना जिहड़े किसान है, ठीक है, मिट्टी पुटते है प्यारी कही दे नाल जिहड़े की है मिट्टी पुटो। नैक्सट है कोट, कोट किला ताजी बाजी या पाँव वाला कोट, किला कोट मतलब किला, के महाराजा रणजीत सिंह ने बहुत सारे कोट से जीत हासिल की। नैक्सट है ताज की बाजी, ठीक है, मैं कोट की बाजी, मैं कोट जीत रही है। नैक्सट है पाँव वाला कोट, हम बस सर्दियों के ब्लेजर पाने ना बेटा ठंड तो बचने लिए, वो कहते पाँव वाला कोट, मेरे को लाल रंग का कोट है, या ठंड तो बचने के लिए कोट पाओ। नेक्स्ट है बेटा काल, काल मतलब मौत, ठीक है, काल मतलब मौत। बेटा मौत ही एक सच्चाई है, हरेक पे काल आना ही आना है, ठीक है। काल, काल की है, काल एक सच्चाई है, या हरेक पे काल आना ही आना है। नेक्स्ट है काल मतलब समा, ठीक है, तीन तरह का ना आप कितने जो काल डेफिनेशन की ना, कितने तरह का काल है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, यानी कि प्रेजेंट, फ्यूचर, पास, ठीक है। काल मतलब काल तीन तरह के होंगे, हमने आप सेंटेंस बनाएंगे काल तीन तरह के होंगे। नैक्सट है थुड़, कभी पैना, हम कई बार होंगे किसी कितने बारिश ना पवे तो सारिया फसल सुक जाए सड़ जाए तो क्यों होंगे काल पै जाता है, ठीक है, बारिश ना पैन करके काल पै गया है। नैक्सट है खूंब, खूंब मतलब सब्जी का ना, मशरूम होंगे ना बेटा आप खाने, खूंब मतलब सब्जी का ना, मैनू खूंब की सब्जी बहुत स्वाद लगती है, या मेरे माता जी ने खूंब की सब्जी बहुत स्वाद बनाई है।
नेक्स्ट है घुटना, मतलब घुटना, ठीक है। जदों बच्चा नशे करते हुए फड़िया गया तो उसके पिता जी ने खूंब ठप्पी, ठीक है, खूंब ठप्पना पा के बहुत ज्यादा घुटना बेटा, असि मुहावरा भी किया है। नेक्स्ट है खूह मतलब पट्ठी, खूह मतलब पट्ठी, धोबी ने कपड़े खूह पा दिते हैं, धोबी ने कपड़े खूह पा दिते हैं। नेक्स्ट है खट्टी, खट्टी मतलब कमाई, ठीक है, खट्टी मतलब कमाई। हम बेटा त्यौहार के दिनों के दुकानदार बहुत ज्यादा खट्टी करते हैं, भाव की कमाई करते हैं। नेक्स्ट है खट्टा स्वाद, ठीक है, खट्टा, खट्टी मतलब खट्टा स्वाद, इमली खट्टी होंगी है या संतरे संतरा खट्टा है। नेक्स्ट है खट्टी मतलब रंग कलर, ठीक है, ऑरेंज कलर होता है ना, खट्टा रंग, खट्टी मतलब रंग, ठीक है, उसकी पग का रंग खट्टा है या उसके सूट का रंग खट्टा है। नेक्स्ट है गोला, बर्फ का गोला, ऊन का गोला, तोप का गोला, ठीक है, गोला मतलब की है बर्फ का गोला। हम गर्मियों के बच्चों बेटा बर्फ का गोला खाना पसंद है ना बेटा, गर्मियों के अक्सर बच्चे बर्फ का गोला खाते हैं। नेक्स्ट है ऊन का गोला, मेरे माता जी ने बाजारों ऊन का गोला लिया के मेरे लिए स्वैटर बनाया, जो मेरे लिए बहुत सुंदर स्वैटर बनाया। नेक्स्ट है तोप का गोला, जितना बेटा तबाही मिलती है, तोप के गोले के नाल बहुत ज्यादा तबाही मचती है। नेक्स्ट है घड़ी, समा दस वाली घड़ी का की समा, ठीक है, कुछ पल, ठीक है, घड़ी मतलब कुछ पल, ठीक है, थोड़े समय लिए घड़ी को ठहर जाओ, मैं भी थोड़े नाल चलना हाँ। नेक्स्ट है घड़ी, मिट्टी का बर्तन होंगे ना, बड़े घड़ा होंगे व्डा सारा जिस पानी पा के पीने, ठीक है, घड़ी मतलब एक छोटा जहा घड़ा मिट्टी का बर्तन होंगे, गर्मियों के घड़ी का पानी पीने लिए, घड़ी का पानी सेहत लिए वधिया होंगे है, या गर्मियों के घड़ी का पानी पीना चाहिए है। नेक्स्ट है घड़ना, पेंसिल शोप करना, ठीक है, बच्चे ने पेंसिल घड़ी। नेक्स्ट है छापा, छापा मतलब छपाई, छापा भी है छपाई, प्रिंटिंग बड़ी सुंदर है, कई बुक्स की प्रिंटिंग बड़ी वधिया होती है, इस किताब की छपाई बड़ी सुंदर है या यह छापा बहुत सुंदर है। नेक्स्ट है चोरी पकड़ना, अचानक कहीं पुलिस छापा मार दे, ठीक है, छापा मारना मतलब चोरी पकड़ना, अचानक पुलिस ने उसकी दुकान पर छापा मार के नशे का सारा समान जरा कि जब्त कर लिया या शराब या बोतल हासिल कर लिया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है बेटा लास्ट छापा का थप्पा, ठीक है, थप्पा, छापा मतलब थप्पा लगाना, ठीक है, इस कमीज का छापा बहुत ज्यादा सुंदर है, छापा मतलब स्टैंप लगाने, छापा मतलब इस कमीज का छापा बहुत सुंदर है। नेक्स्ट है बेटा थोड़ी बुक भी है चक्की, चक्की मतलब टिक्की, ठीक है, चक्की मतलब साबन की चक्की, ठीक है, एक साबन की चक्की 20 रुपए की है या चक्की बेटा मशीन, मशीन जो आप चक्की तो आटा पिसा के लिया ना बेटा, चक्की तो आटा पिसवा के लैके आओ। नेक्स्ट है चक्की मतलब नीचे की कोई चीज चक लेना, उसने मेरी पेंसिल चक ली है या उसने मेरी किताब चक ली है। क्लीयर बेटा, हम थोड़ा एग्जाम के जिम्मे एक शब्द दे के वो दो अर्थ देने भी आ सकते हैं, सेंटेंस भी आ सकते हैं, या बेटा इस तरह भी आ सकता है जिम्मे हार का एक अर्थ हारना है, दूसरा अर्थ लिखो तुम किस तरह लिखोगे, एक हार का हारना लिखा है फिर लिखोगे थक जाना, या कच्चा का दो अर्थ लिख के वाक बनाओ फिर तुम अर्थ भी लिखने हैं, ठीक है, फिर अंक क्या शर्मिंदा तो नाल सेंटेंस भी बनाने हैं, या बेटा एमसी टूज के भी आ सकता है, तीन गलत हो गए तरीक जरा कि ठीक होगा, ठीक है, तुम अच्छी तरह बेटा इन्होंने अर्थ याद करने हैं तो अकॉर्डिंग ही तुम्हें यदा वाक बनवाने हैं, अच्छी तरह तुम बेटा लर्न करने। मैं उम्मीद है कि तुम बेटा वो अर्थ शब्द समझ आ गई होगी। थैंक यू।